अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पाशा मुहीउद्दीन है। अलहमद एंटरप्राइजेस मेरी कंपनी का नाम है। हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और चाइना से इंपोर्ट भी करते हैं मशीनरीज, और ज़्यादातर हमारी इंपोर्ट जो है वो फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए ही है, जिसमें हम ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, टैबलेट प्रेस मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन, लिक्विड लाइन्स, उसके अलावा जेना वाइल की कॉम्पैक्ट लाइन भी हम कर चुके हैं और अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें एग्जीबिशन के लिहाज से, बेहतरीन रहता है। अच्छा दो दिन से हम कवरेज कर रहे हैं लेकिन हमें फीडबैक मिला है कि कुछ रिस्पांस लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा कम है। हाँ, थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, मैं तो यही कहूँगा बिल्कुल। कस्टमर मिले कुछ इसमें? कस्टमर बहुत से मिलते हैं नए, एग्जीबिशन का फ़ायदा ये होता है कि नए कस्टमर्स बहुत आते हैं। अच्छा, जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं होता वो ऐसे ऐसे कस्टमर्स आए थे कि अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करना चाहिए। कौन कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं? ज़्यादातर फार्मा में और फूड में। कौन में? फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में तो ये सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग आप यहीं पे कर रहे हैं? देखें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, हम हाई टेक्नोलॉजी पार्ट्स भी मंगवाते हैं, असम्बल करते हैं चाइना से। उसके अलावा जो है हाई एफिशिएंसी वाली जो मशीन है, हम एक आध जो है ना कर रहे हैं। हमने भी यहाँ लिक्विड लाइन बनाई है, जो पीछे मशीन है ये सिरप फिलिंग मशीन है, 60 से 120 ml तक की। तो बाकी पीछे टैंक्स हैं, ये जैकेटेड टैंक्स हैं, और उसके अलावा ये हाइड्रोलिक है, इसका जो ढक्कन वगैरह है वो इजेक्ट होता है। सिस्टम पूरा लगाया हमने, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करी है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम आ रहे हैं। मसाइल थे अब से एक साल पहले तक के, काफ़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर कंसर्न एक कंपनी थी मल्टी लिंक्स एंटरप्राइजेस के नाम से भी मैंने स्टॉल लगाया था। तो बस ये एक बैंक जो है ना, और स्टेट बैंक वो जो है ना EIF अप्रूव नहीं कर रहा था, FI अप्रूव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्लियरिंग कर, हाँ FI अप्रूव नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हम क्लियरिंग का प्रोसेस नहीं होता था उसमें काफ़ी। मतलब बस ये कि एक्सचेंज जो होता है ना बैंक के थ्रू, स्टेट बैंक का, उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि ये आइटम्स करें, ये आइटम्स ना करें। अच्छा, काफ़ी बैन लगाए हुए थे आइटम्स में, जिसकी वजह से इंपोर्ट में काफ़ी रुकावट थी। हाँ, फार्मा इंडस्ट्री में जो है वो तो ज़ाहिर बात है, फार्मा इंडस्ट्री तो ज़रूरी है, उसकी इंपोर्ट, उसके रॉ मटेरियल हो गए, उसके सारी मशीनरीज हो गई, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। फूड में पाबंदी काफ़ी हद तक कम हो गई और ख़त्म हो गई है। बड़े अमाउंट की एलसी वगैरह नहीं खुल रही, छोटे अमाउंट की खुल रही है, जैसे $1,00,000 की। सर, पैसे आपके पास अगर करोड़ों रुपए हो ना तो बैंक आपको फैसिलिटेट कर देगा, वो कहते हैं 2 करोड़ रुपए रखो तो काम करो। अच्छा, ये मसला का भी अभी सुना है, हाँ, चल रहा है। पहले तो डिपॉजिट का नहीं था, मतलब कहता है कि अब से 2 साल पहले कोविड के बाद से काफ़ी पाबंदी लग गई थी इम्पोर्ट में, कोई कुछ नहीं मंगा पा रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री ग्रो हुई है। अच्छा, हाँ, क्योंकि लोकल से वेंडर्स और लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है इसमें, फिर जो टेक्नोलॉजी चाइना की है वो यहाँ पर अडॉप्ट करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है, उसमें कामयाब भी रहे हैं। बना भी रहे हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जी बना रहे हैं, API बना रहे हैं, बहुत से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो बड़े खुशाइन बात है। ये मशीनरी के हवाले से भी कह रहा था, मशीनरीज भी यहाँ पर बन रही है। दूसरा है कि जो आपको परेशानियां थी इंपोर्ट करने में उसे भी होगी, और आप भी इस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, तो मज़ीद इसमें इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह, और बेहतरीन चीज़ और बेहतरीन कम कीमत में अच्छी चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। लेकिन मसला जहन बना हुआ है ना कि इम्पोर्टेड चीज़ देनी है, लोकल जो है वो सही नहीं होगी, ये इससे अब ये जो मैन्युफैक्चरर है ना वो कहता है कि लो कॉस्ट हो। अच्छा, अब वो एक चीज़ अगर 1 करोड़ की थी वो 3 करोड़ में कैसे लेगा, नहीं ले रहा वो, बजट ही नहीं है उसका। हाँ, उसको 50 लाख में यहाँ पर मिल रही है वो चीज़। अच्छा, ये मसला है, जाहिर है उससे तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। अब 3 करोड़ की इसमें 50 में आ जाएगी, लेकिन ये है कि उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है उसकी एफिशिएंसी से, प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी हो जाती है। अच्छा, और बाकी जो उसके जो मटेरियल लगा होता है उसमें भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। सर, इस पे एग्जीबिशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या इसका रोल होता है प्रमोट में? मैं यही तो कह रहा हूँ, एग्जीबिशन का काफ़ी फ़ायदा होता है हम जैसे लोगों के लिए, कि नए कस्टमर्स आते हैं,
नए नए आइडियाज़ भी देखने को मिलते हैं। फिर आजकल चाइनीज़ भी काफ़ी आए हैं, चाइनीज़ भी अपने नहीं चाइनीज़ आते हैं लेकिन इस मतलब अभी ज़्यादा आए हैं। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है। फीडबैक मिला है वो ये लोगों की शिकायत है कि हमारी पैदावार लागत बहुत ज़्यादा हो जाए, खासतौर पर प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है, उसकी बेसिक वजह सर बिजली के बिल्स हैं, दूसरे टैक्सेस हैं जिसकी वजह से हमारी अगर सही। तो फिर अपर लेवल पे बात हो गई ना, फिर तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड जो लगता है तो जाहिर बात है ये चीज़ें देखनी पड़ती है। वो तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए ना ताकि यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो हो, उसके लिए सजेशन ये दूंगा भाई गवर्नमेंट को ये चीज़ें। अब चाइना में जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, आप इंडस्ट्री लगाओ, वो सारी चीज़ को जो है ना एग्जेम्पशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, फिर रिबेट मिलता है उन लोगों को। हाँ तो सारी चीज़ें वहाँ पे भाई डॉलर आएंगे आपके पास तो आपको फ़ायदा है ना, आपके एक्सचेंज रेट समझो एक्सचेंज रेट जो वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट वो कम होगी। बस ज़रा मुबादला रखा नहीं जिसकी वजह से हम यहाँ पर पिट रहे हैं, पिट रही है, इम्पोर्ट नहीं होने दे रही है डॉलर ना होने की वजह से। बताइए आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, कैसे इस फील्ड में 2000 ऑनर में से हम इस कम मतलब इस फील्ड में मशीनरीज की फील्ड में 2015 से आए हैं। 2005 से मेरा भाई जो है वो ये इस फील्ड में था, लेकिन हम लोग मिलके जो है सही से 2010 से शुरू हुए। उससे पहले हम रॉ मटेरियल में काम किया करते थे, हाँ फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल में। तो आप इसके ऑनर हैं? मैं मेरे भाई हैं अबीबुद्दीन, मैं उनका भाई हूँ, लेकिन ऑनर तो हम सभी हैं समझ लें, पार्टनरशिप हमारी पार्टनरशिप में फैमिली बिजनेस। अच्छा सर, कोई सर।